नागालैंड की घटना पर राहुल गांधी का सवाल, देश में न नागरिक सुरक्षित न सुरक्षा बल, क्या कर रहा है गृह मंत्रालय। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला केस दर्ज, तंजानिया से आया शख्स हुआ संक्रमित। दिल्ली में शिक्षकों के मुद्दे पर सीएम केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन करेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। अमित शाह बोले, हमारी सेनाओं को हल्के में नहीं ले सकता दुश्मन, भारत ने दिया है कड़ा संदेश। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद की तरफ से जाने वाले एंट्री पॉइंट की सुरक्षा बढ़ाई गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और राज्य में चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था, जिसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। अमित शाह की जनसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां अमित शाह की बातों को सुनते हुए एक मुस्लिम युवक ने भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगवाए थे। मुस्लिम युवक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और खूब चर्चा बटोर रहा है। देखिए, हम राम के वंश हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। जय श्री राम बोलने में या भारत माता की जय बोलने में, जिस मुल्क में हम रह रहे हैं उसकी जय जयकार करनी चाहिए। लेकिन उलेमा कह रहे हैं कि आप इस्लाम से खारिज, आपको तौबा करनी चाहिए। देखिए, उनका अपना काम है, वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं अपना काम को अंजाम दे रहा हूँ। इन्ना मल अमालु बिन्नियत, नियत के ऊपर सारे दारोमदार है, मेरा अल्लाह जानता है, मैं जानता हूँ। अब कौन क्या कर रहा है इससे मेरा फर्क पड़ता नहीं। वीडियो मैंने भी देखी है, जिसमें एक मुस्लिम शख्स जो है इस तरीके के नारे लगा रहा है जय श्री राम के और दूसरी चीज़ों के, तो इस्लाम में इन सब चीज़ों की गुंजाइश नहीं है। वो इस तरीके के नारे लगा रहा है, इस्लाम में ये सब चीज़ें मना है, ममनू है, तो उसको हम मशवरा देंगे कि वो उलमा के पास में जाए, रुजू करे और तौबा करे। तो कैसा युवक इस्लाम से खारिज माना जाएगा? बिल्कुल, ऐसे शख्स का ईमान जो है इस्लाम ज़ाया हो जाता है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उसको उलामा के पास में जाना चाहिए और वहाँ जाकर रुजू करनी चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और उसको ये साथ साथ में मशवरा हम ये भी देंगे कि दुनियावी आकाओं को खुश करने के बजाय हमेशा हमेश जिसके पास में जाकर रहना है, आखिरत की ज़िंदगी हमेशा हमेश की ज़िंदगी है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करे, ना कि दुनियावी आकाओं को राज़ी। खबर मैनपुरी से है, जहां सभी सीएमओ कार्यालय पर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के साथ ही प्रदेश के फार्मासिस्ट ने आज अपना आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान फार्मासिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक एसोसिएशन काला फीता बांध कर विरोध प्रदर्शन करेंगे और आगे चलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए भी तैयार है। एक दिवसीय जो धरना है, हमारी 20 सूत्रीय मांग पत्र है, जो सरकार द्वारा पिछली वार्ता में भी जिस अधिकतर पॉइंटों पर सहमति थी, लेकिन आज तक उनका शासनादेश जारी नहीं हुआ और सरकार ने एक तरह से वादा खिलाफी की है। बार बार हम लोगों ने उसका रिमाइंडर दिया, याद दिलाया कि सर आपने वायदा किया था, लेकिन उस पर सरकार के पर कोई जू नहीं रहेंगी। अंतोगत्या हमको विवश होकर धरने पर बैठना पड़ा, आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया है। ये आज से प्रथम चरण में आज एक दिवसीय धरना है और 5 से 9 तारीख तक हम लोग काला फीता बांधकर प्रदर्शन कार्य करते रहेंगे। 9 से 16 के बीच सुबह 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करेंगे। 17 से 19 तक सभी सेवाएं बाधित होंगी, केवल आपातकालीन सेवाएं छोड़कर। अगर फिर भी नहीं सरकार चेतनी है तो 20 तारीख से आपातकालीन सेवाओं सहित, पोस्टमार्टम सहित सभी सेवाएँ ठप कर दी। युवा व्यापार मंडल नगर अध्यक्ष अंकुर श्रीवास्तव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर दुकान लगाए लोगों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 2 दिन की चेतावनी देकर दुकानें हटाने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके कारण आज सदर तहसील में हुए संपूर्ण समाधान दिवस में कई युवा व्यापारियों और दुकानदारों ने एक प्रार्थना पत्र उप जिलाधिकारी सदर संजय कुमार सिंह को सौंप कर दुकान नहीं हटाए जाने की मांग की है।
देवरिया में बाबा राघव दास महाविद्यालय में प्रिंसिपल डॉक्टर शरद चंद्र मिश्र के कार्यभार संभाल लिया है, जिनका स्वागत महाविद्यालय के वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर महेंद्र विक्रम शाही ने किया। इस दौरान डॉक्टर मिश्र ने महाविद्यालय में उपस्थित होकर कॉलेज का औचक निरीक्षण किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि नई पुस्तकें लाइब्रेरी में आ रही हैं। इससे पहले डॉक्टर शरद चंद्र मिश्र बद्री विशाल पीजी कॉलेज फरुखाबाद में तैनात थे और डॉक्टर मिश्र शारीरिक शिक्षा विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। फरीदाबाद के बाईपास चंदावली पुल के पास गड्ढे में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में पुलिस एक्सीडेंट का अनुमान लगा रही है, लेकिन परिजनों का आरोप है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि हत्या है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने रोड जाम करते हुए जमकर हंगामा किया। मैनपुरी में बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम घुटारा मासूमपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दोनों पक्षों के एक एक युवक का चालान कर दिया, जबकि एक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मारपीट और लाठी डंडे चलने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और इसमें शुरू में इनिशियली जो है 151 के तहत पुलिस ने कार्रवाई कर दी थी, लेकिन ऐसी जानकारी में आया है कि एक पक्ष ने इसमें तहरीर भी दी है थाने पर, तो इसमें एफआईआर दर्ज करके और गिरफ्तारी सुनिश्चित कराने का पुनः। सर मारपीट जो हुई थी वो किस संबंध में ये हो रही है? वो कोई जमीन है, जमीन का विवाद इन लोगों का आपस में। थाना के रानीपुर ग्रांट गांव में बेखौफ दबंगों ने ससुराल आए युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक के गले में चाकू लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको बचाने गई पत्नी को भी दबंगों ने पीट पीट कर घायल कर दिया, जिसकी सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों की सीएचसी में भर्ती कराया है। पुलिस द्वारा दो लोग लाए गए थे, एक का नाम है रोहित, दूसरा का नाम है रीता। रोहित के बाईं गर्दन के बाईं तरफ धारदार हथियार से हमला हुआ है और जो रीता है उसके हाथ पे एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला किया गया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका प्राथमिक उपचार करके जिला एवं मेडिको लीगल करके जिला अस्पताल उन्नाव के लिए रेफर कर दिया है। फतेहपुर के थरिया थाना के दिमगतपुर गांव में घर के बाहर से सो रहे युवक को दो लोगों ने पुरानी रंजिश के कारण गोली मार कर हत्या कर दी, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं दूसरी तरफ युवक के पिता ने पुलिस को दी गई तहरीर में दो लोगों को नामजद किया गया, जिसके पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद फतेहपुर के थाना थरिया क्षेत्र के दिमंगलपुर गाँव में एक 48 वर्षीय जलकेश उर्फ लाला नाम के व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। मृतक के पिता ने नामजद दो व्यक्तियों के विरुद्ध तहरीर दी है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, दोनों आरोपी गणों को गिरफ्तार कर लिया गया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। रायबरेली के सरोन सर्किल में जहां एक तरफ डी थाना क्षेत्र में हत्या हुई, तो वहीं दूसरी तरफ सलून कोतवाली क्षेत्र में हत्या होने से हड़कंप मच गया, जहां सलून सर्किल को कोडरी गांव में दो पक्षों के बीच मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद दबंगों ने बुजुर्ग पर लोहे की राड पर हमला करके बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने भी आरोपी पक्ष ने जमकर पिटाई की।
खबर औरैया से है, जहां पर सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव जोधपुर निवासी के ई रिक्शा चालक को तीन लोगों ने मारपीट करते हुए ई रिक्शा लूट कर फरार हो गए। ई रिक्शा चालक को राहगीरों ने संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया और मामले की जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। दरअसल ग्राम जोतापुर निवासी गणेश कुमार रोज की भांति अपने घर से मंडी सीमित औरैया में सब्जी लेने के लिए गया हुआ था। घायल गणेश ने जानकारी देते हुए कहा कि जैसे ही वह मंडी गेट पर पहुंचे तभी तीन लोग उसे मिले और गमले को सुभाष तक पहुंचाने की बात कही। इस पर उसने तीनों लोगों को बैठा लिया, जिसके बाद सवारी अच्छा बनकर बैठे तीनों लोगों ने उसकी मारपीट शुरू कर दी और उसको मोबाइल, नकदी और ई रिक्शा लूट कर ले गए। घायल गणेश ने बताया कि वहां गुजर रहे लोगों से उनके मोबाइल मांग कर अपने परिजनों के मामले की जानकारी दी। सूचना पर संयुक्त चिकित्सालय में घायल के परिजन पहुंच गए थे। हाँ, मोबाइल भी ले गए हैं, पैसे भी ले गए हैं, पैसे भी थे। कितने पैसे थे? पैसे थे तो 3,000 रुपये। ये घटना कितने बजे की है, कब? ये घटना है 5 बजे की, साई मंदिर नर्सरी है बगल में। तो गमला जाने चाह रहे सुभाष चौक पे, तो चार गमला भंडार दे सुभाष चौक पे, बस हमें गमला लेकर जाना है। तो मैं चलो भैया डाल कर गमला हटो भैया, गमला लेने गए तो फिर मारन लगे और नार बांध के रखे आए दो में, गाड़ी लेकर भाग गई, मोबाइल गाड़ी। क्या क्या आपके पास है सामान? कुछ पैसा थे थोड़े। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों को फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।